सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी वॉल्ट चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट अपलोड देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, रेसिपी वॉल्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीलम और आज मैं आपको चिकन कोरमा बताऊंगी बहुत ही नए अंदाज में, बहुत ही नए फ्लेवर के साथ। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट कर देते हैं। तो कोरमा बनाने के लिए एज़ यूज़ुअल जैसे प्याज तली जाती हैं वही तलेंगे पहले हम। तो मैंने ये 3 से 4 प्याज लिए हैं और इसमें तेल डाल लिया है और इनको इक्वली स्लाइस करके मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी, जैसे कि क्रिस्पी होने तक। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, इनको इस तरह से अलग कर लीजिए और इक्वली इनको कट कीजिए और इनको फ्राई कर लीजिए गोल्डन होने तक। गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है, तो इक्वल चलाते रहेंगे और फ्राई कर लेंगे और इनको तेल निकाल कर इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और एकदम से ही इनको फैला देना है क्योंकि कैरी ओवर कुकिंग की वजह से ये काली हो सकती हैं। तो ये देखिए मैंने तेल में से प्याज निकाल लिए हैं और अब मैं बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स इसके दूसरे। तो इसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो देखिए, एक तो ये प्याज ही लिए हैं तली हुई, और दही लिया है मैंने 200 ग्राम, चिकन लिया है मैंने 350 ग्राम, धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, नींबू, तेज़पत्ते लिए हैं और बिरयानी वाला मसाला लिया है। और एक मैंने जो सबसे अलग तरह का इंग्रेडिएंट्स लिया है वो चंदन पाउडर लिया है। एडिबल चंदन पाउडर आता है, बाज़ार में मिलता है ये, आप इसको खा सकते हैं और रेसिपीज़ में डलता है ये। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट कर दे, इनको सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। अगर ये नमी से थोड़ी ढीली हो गई तो फिर इन्हें ग्राइंड करने में परेशानी होगी, अभी तो ये बहुत क्रंची हैं, तो इनको ग्राइंड करेंगे। देते हैं चिकन को मैं इसी तेल में डाल लूँगी, तेल आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। चिकन को डालने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है 1 चम्मच और अब ये सारी दही डाल देते हैं। अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं की है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, लौंग, इलायची, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मैं चिकन बना रही हूँ तो मैं धीमी आग पर ही इसको कुक करूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरह अंदर से गल जाए। या फिर अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो एक बार कुकर में एक सीटी लगा दीजिए, इसको कुकर में कुक कर सकते हैं आप। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि यदि आप कम मात्रा में चिकन बना रहे हैं तो उसको धीमी आग पर बनाइए और ढककर बनाइए, और यदि ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो उसको खुले बर्तन में बनाइए, बड़े बर्तन में, और उसको खुला रखकर तेज फ्लेम पर बनाइए। इससे होगा क्या कि कम जो मात्रा में चिकन है ये गल जाएगा अच्छी तरह से ढकने से, और यदि आपने ज़्यादा लिया तो वो सारा टूट जाता है अगर कम लो फ्लेम पर आप उसे कुक करेंगे तो। तो चलिए इसे लो फ्लेम पर कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा ये पकने लगा है तो मैंने अब इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। धीमी आग पर ही हमें कुक करना है। अब इसमें डाल देते हैं चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमें बाद में ही डालना है जिससे कि इसकी स्मेल ना निकले। मसाला भुनने लगा है, देखिए अब इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। आधा कप पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और गरम मसाला डालने के बाद बिरयानी वाला मसाला डालेंगे आधा चम्मच। बिरयानी वाले मसाले का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ और बिल्कुल स्पेशल मसाला है ये मेरा, आप इसको ज़रूर घर में एक बार बनाइएगा। इससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके की स्मेल आती है बिरयानी और कोरमे में। ये जो तली हुई प्याज थी जिनको मैंने ग्राइंड करके रखा है, गोल्डन ऑनियन को, इनको साथ में डालेंगे। अब इसको लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी अब 1 नींबू का रस, और नींबू को भी आप हमेशा ग्रेवी वाली सब्जी में अगर नींबू डालना चाहते हैं तो उसे बाद में ही डालें, क्योंकि नींबू कुक होने के बाद थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। तो कुक होने के बाद इसको डालिए, जब सब्जी पूरी बन जाए उसके बाद आप नींबू इसमें डाल सकते हैं। और गैस को कर देंगे ऑफ, कोरमा बिल्कुल रेडी है नए फ्लेवर और नए ट्विस्ट के साथ। तो चलिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, नान के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।